बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो जी, आज हमारे घर नमाज के बाद बिरादरी वालों ने आना था। सुबह के टाइम पे हमारे घर ख़त्म हुआ था और उसके बाद सारी बिरादरी को इन्विटेशन दिया था मेरे ससुर ने कि आप लोगों ने आना है, एक दुआ खैर सी करनी है शादी से पहले और यू नो शादी की कुछ डिस्कशन वगैरह। तो बस सुबह से उसी की तैयारी चल रही थी। तो फिर आ गए माशाल्लाह से आप पाकिस्तान। खैरियत से आ गए, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हम खैरियत खैरियत से आ गए। यहाँ पे खान साहब भी खड़े हैं। खान, लगता है तुम्हारी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है? नहीं, अब तो 4 दिन की थकावट है। अच्छा, दरअसल हम जहाँ वहाँ से निकले थे ना, तो हम शाम को निकले थे तकरीबन 5 बजे, हमारी फ्लाइट थी 9 बजे। ठीक है, फिर रात उधर की आ गई, सोने का टाइम एयरप्लेन के अंदर ही था। ठीक, वैसे भी नहीं बंदा कर सकता ना। और उसके बाद फिर आपका ले ओवर और नेक्स्ट जहाज जो हमने चेंज किया, तो वो उसके लिए काफी जो है ना हमारी नींद आगे पीछे हो। और फिर आते ही शॉपिंग शुरू हो गए उसी दिन। आते ही हमारे जो 2-3 काम थे शॉपिंग वाले, वो डन लाजमी करने थे, क्योंकि फिर हम वापस नहीं निकल सकते। जैसे की आज हम आपको दिखाएंगे क्या हो रहा है। आज हमारा ये दुआए खैर है, इसको दुआए खैर कहते हैं, यानी कि हमारी बरादरी के बंदे आएंगे, चाय मिठाई सर्व होगी, दुआ करेंगे, दुआ करेंगे कि हर चीज जो आगे आने वाले दिन है वो अच्छे से गुजरे। खैर से शादी से मतलब पहले होता शादी है, से पहले, यानी कि दुआए खैर। हाँ ठीक है, चलो शुक्रिया। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या सीन है? ये घर के बंदे जो है कश्मीरी चाय बना रहे हैं। वैसे तो हम ले भी सकते थे, लेकिन एक बंदे का काफी एक्सपीरियंस है तो उन्होंने कहा, और उसकी काफी हमने क्या कहते हैं तारीफ सुनी है, तो हम कहते हैं कि यार तारीफ क्यों ना आज तहले कप के अंदर आई। ठीक है, चलें सही, देखते हैं कि क्या होता है इंशाल्लाह। हाँ, अंदर दिखा, डाल दिए अंदर? नहीं नहीं, ये सिर्फ अभी पत्ती बर्न हो रही है, आई मीन उबल रही है। कश्मीरी चाय की पत्तियां भी आई हुई है। चलें जी, ये अभी बिफोर है, फिर आफ्टर बाद में दिखाएंगे। खान लगता है पूरी हेल्प कर रहे हैं, कोशिश जारी है। और अभी अंदर आपको दिखाएंगे, छोटा सा सीटिंग अरेंजमेंट हमने की है, ये इसमें काफी थोड़े से मतलब लिमिटेड बंदे हैं। वैसे क्या वैसे ये भाई बनाएंगे, ये भाई बना रहे हैं जी कश्मीरी चाय। मजा आएगा फिर इंशाल्लाह, आएगा मजा। आ जाए अंदर, आपको सीटिंग अरेंजमेंट दिखाते हैं। ये बचपन में चलाई तो होगी आपने, ये माली जो आया ना उनकी है, मत करें मेरी बात। माल जो उनका है, चाची दो दो टलियां भी लाए तेरी के तो भी तक बेचारे। ये अंकल हैं जी जिनके बेटे की शादी है। अंकल, आज दुआ खैर होने वाली है? आज दुआ खैर होने वाली है। यहाँ हमारा सिस्टम ये है ना कि जब काम शुरू करते हैं तो पहले अल्लाह का नाम लेकर, तो सही है इंशाल्लाह, बिरादरी के बंदों को बुलाकर सब यहाँ का जो स्केड्यूल होता है वो बताते हैं कि इस दिन ये है, इस दिन ये है, इस दिन है, उसके बाद फिर काम तैयारी रखे हैं। यहाँ पर जी बच्चे क्या कर रहे हैं? मुस्तफा आराम से हंसते हैं। बेटा आइजल सोई भी आराम से। बेटा आप क्या खा रहे हैं? एग्स, अंडा। अच्छा, ये इधर मेनली बनाए, ये सारा सेटअप है जी, सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर है अभी सारों ने इकट्ठे होना है, उस हिसाब से ये मुस्तफ़ा के दादा बू ने लाइट लगवाई है मुस्तफ़ा के लिए, ही लाइक सेट। वो भी हमने ऑन कर दिया। तो ये थोड़ा सा सेटअप, ये आधा सेटअप यहाँ पे हुआ है, ये इन्वर्टर वगैरह ऑन है ताकि जरा कमरा गर्म हो, क्योंकि हद से ज्यादा सर्दी, और आपने कहा चलो पंखा ही लगा दूं मैं। सॉरी, मुझे पता नहीं। हाँ, वाकई में अपनी घर में ना हमें ऐसे होटल वाली फीलिंग्स आ रही है ना। ये मेरा लास्ट टाइम कितने सालों बाद, 6 साल, 6 सालों बाद शादी के बाद, अभी पहला चक्कर है। और तब भी लाइक ओनली वी स्पेंट लाइक 1 मंथ आई गेस, फिर हम चले गए थे। हाँ, तो यहाँ पे ये सारा अरेंजमेंट है। ठीक है, ठीक है जी, ये सारा अरेंजमेंट हो गया। पीछे हमने घोड़े भी लगा दिए, अगर किसी ने भागना है तो बैठ के भाग जाए। अच्छा जी, अब हम किचन में आ गए, बताएं जरा। यहाँ पे सारे बिस्किट वगैरह लाए हैं। हाँ, और ये स्वीट्स वगैरह लाई है, मिठाई वगैरह। ठीक है, जो भी सर्व होगी दुआ के टाइम पे, सारा कप्स वगैरह जो है ना तैयार हो चुके हैं। ये सारे बंदे जो हमारे काम करने वाले हैं वो सारा देख रहे हैं। चलें जी, ठीक हो गया जी।
चाची की कई का काम खत्म हो गया हाँ। चाचा जो है हाँ। वो दूसरा शुरू कटिंग शुरू हो गया ना, कटिंग शुरू हो गया। हमारे दौर में हलीब चलता था, हलीब वाकई आज होल फल होल फल चल रहा है। हाँ भाई, भी 6 साल बाद और भी बहुत कुछ चल रहा है। पता क्या कहते हैं, कहते हैं उसकी डिमांड हो तो हम मंगवाते हैं, वरना यही चल रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं ऑल पर है, आप खुद बताइए। हमें तो नहीं पता, हाँ हमें नहीं पता। ठीक हो गई गोडी, गोडी पूरी हो गई है, माली अंकल ने कर दी गोडी। चाचा मैंने चाहा खा तो कुछ नहीं आया, हौली है बेचारे। यहाँ पे जी कश्मीरी चाय बन रही है जोरों शोर से, इंशाल्लाह बिफोर तो हम दिखा चुके हैं, आफ्टर आफ्टर दिखाएंगे, बिलाल साहब पी के बताएंगे। भाई ये हो क्या रहा है, जरा एक्सप्लेन भी करें ना। अभी हमने इसमें खुश्क दूध मिक्स किया है, अब इस दूध को इसमें हल करना है, खुश्क दूध में ना बने, ठीक है। और यहाँ पे चूल्हे पे आपने जो चढ़ाया हुआ वो पति हमने चढ़ाया हुआ है, इसका कहवा तैयार हो रहा है, कहवा तैयार हो रहा है, ठीक है। गुलाबी कहवा, गुलाबी कहवा सही है, ठीक है जी। खुशबू तो बहुत मजे की है। और उसका कलर भी ठीक, हाँ क्योंकि वो कश्मीरी चाय है। अच्छा वैसे और भाई आप तो कश्मीर भी जाते रहते हैं, वहाँ पे सुना है नमक डालते होते हैं चीनी की जगह, लेकिन आज हम नमक तो नहीं डालेंगे ना। नमक डालेंगे, पसंद आएगी। यहाँ पे तो लोग मीठा पीते होते हैं, मीठा होता है ना, लेकिन हाँ। नमक अच्छा थोड़ा बहुत जाएगा, सही है। चलो जी मिलते हैं फिर ब्रेक। नमक लें 4 टेबल स्पून, आ जाए नमक लेकर आते हैं। बनी बनाए ले, 3 टेबल स्पून लेने जा रहा हूँ। 3 टेबल स्पून नमक, टेबल स्पून सिर्फ नहीं लाने। ये पता होता तो मैं बाहर से ही ले आता, मुझे गिचकू छाता आके खुद मनाएंगे। आपका मैं छुट्टियां मनाने आया था, काम पे लगा दिए, थोड़ा शुगर लगेगा यू नो। लाइट्स जब लगेंगी तो फिर तो इंशाल्लाह सारा बनाएंगे। हमारे घर का छोटू है जिससे हम सारे काम करवा रहे हैं। छोटू क्या, छोटू क्या तुम्हारा जायका भी आना चाहिए हाथों का। छोटू ले आया है दूध, इससे हम बड़े काम करवाते हैं क्योंकि घर में सबसे छोटा है। हाँ पूरे, हाँ तो हमें बस जो भी काम हो ना हम इसी को कहते हैं। बेचारा फिर उसको उठना ही पड़ता है क्योंकि कैसे इनकार करे, आखिर छोटा है, छोटे होने के नुकसान भी होते हैं। नहीं नहीं नहीं, छोटे पाकिस्तान में जो छोटे होते हैं ना वो बहुत काम करते हैं। तुम अमेरिका में फिलहाल, तुम अमेरिका में नहीं हो फिलहाल। हम उनकी सुनते हैं जो हमारी सुनते हैं। ये वॉच कब ली है आपने? ये गिफ्ट था भाई। ये भी घुमा देना जाते या अल्लाह ही, एक टी एक चम्मच चलाते हैं उसको, 3 दफा डालते हैं उसको 3 टेबल। मुझे नहीं पता था ना कि मैं कौन सा कुक हूँ मैं, भाई नहीं पता मैं 4 चम्मच मुख्तलिफ 3 टेबल स्पून। चले कोई नहीं, खैर ये वैसे फनी था कि आपको कहा था 3 टेबल स्पून चम्मच नमक। इधर रही हो ना, हमने एक दिन घर नहीं पकाया, सिंगल बंदा ये 2 महीने के लिए। ये बहुत फनी था वैसे, अपनी शादी फिर करूंगा क्या। चले चले छोटू तो तुम थे। खैर फिर मेहमान आना शुरू हो गए थे, उसके बाद ज़्यादा वीडियो मैं बना नहीं सकी, लेकिन जब से यहाँ पर सारी सर्विंग वगैरह चल रही थी तो मुझे याद आया कि ओ अच्छा थोड़ा सा क्लिप ही बना लूँ। तो यहाँ पर बस ये कश्मीरी चाय सर्व हो रही थी, साथ में मिठाई और यू नो बिस्किट वगैरह, और सारी फैमिली इकट्ठी थी, ऑफकोर्स सारी बिरादरी। और मैं अभी दिखाऊँगी आप लोगों को मेल साइड पर भी, मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाई है। तो हमारी सारी फैमिली एक्चुअली पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग कहते हैं पाकिस्तान में कौन है आपका, तो सारे ही पाकिस्तान में है क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग या एक दो और फैमिलीज ही बाहर सेटल्ड हैं, बाकी तो सारे के सारे पाकिस्तान में। तो ये जी मेरे ससुर के भाई, कज़न्स, बिरादरी वाले और ये सारे मर्द हजरात इकट्ठे थे, ठीक है, जिसमें दोस्त वगैरह मतलब ख़ास ख़ास फैमिली के बंदे आज इनवाइटेड थे फॉर दुआ, दुआए खैर, जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया स्टार्ट में।
तो यहाँ पर जी देखिए जी सारे बैठे हुए हैं इस तरह से, और इंशाल्लाह जो जो चीज़ें मैंने कैप्चर की हैं या जब तक मुझे याद था कि हाँ व्लॉग बनाना है तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उस लेवल की मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकी इन दिनों में क्योंकि वी वर सो बिज़ी एंड मतलब घर की शादी थी और बच्चे और यू नो बहुत सारी चीज़ें थी एट द सेम टाइम चल रही थी। तो खैर जो कैप्चर हुआ वो मैं दिखाऊंगी, चीज़ें दिखा दूंगी, मेन मेन कपड़े वगैरह ऐसा ऐसा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या पहना। तो खैर फ़िलहाल तो यहाँ पे दुआ खैर चल रही है आदमियों की, औरतें वहाँ साइड पे बैठी हुई थी जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो आज का तो मेन जो दिन था ना इसी में ही गुजर गया क्योंकि शाम तक यही चलता रहा था, फिर मेहमानों का आना जाना, यानी कि इन दिनों तो हमारे घर रोज़ ऐसे होता था कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, फिर कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास 2-3 दिन थे जिसमें हम लोगों ने कार्ड्स लिख के भिजवाने थे गांव में शहर में जो जो जहाँ पे भी रहता था। तो वी वर सो बिजी एट दैट टाइम, कार्ड्स वाला काम भी बहुत ज़्यादा हैक्टिक था। हमारे पास 2 दिन थे जिसमें हम लोगों ने सारे कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने थे और एक बंदा इसको बांध रहा था, दूसरा लिख रहा था, दूसरा भर रहा था, मतलब हम पूरी एक पलटून बैठी हुई थी कार्ड्स को फिलअप करने के लिए। खैर ये था जी आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे। मैं आऊँगी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें जी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।